हेलो हिस्टोरियंस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्लांट किंगडम, जिससे एनसीईआरटी बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स निकाल के मैं लाया हूँ। बेटा प्लांट किंगडम थोड़ा फैक्चुअल टाइप का चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल बनते हैं। अब फैक्ट कहाँ से लेंगे आप, तो फैक्ट का कोई अंत नहीं है, आपको फैक्ट लेना है फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड फ्रॉम योर क्लास नोट्स, इसके अलावा और कहीं ताक झांक नॉट अलाउड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पे। बेटा क्वेश्चन नंबर वन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्राइकोफाइटा। ट्राइकोफाइटा किसे कहते हैं? ट्राइकोफाइटा उस प्लांट के ग्रुप को कहते हैं जिस प्लांट के पास ट्राइकिड्स हैं। अब जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स हैं उसमें जाइलम की ट्राइकिड्स हर जगह अवेलेबल है, जैसे टेरिडोफाइट से ही वैस्कुलर प्लांट की कहानी स्टार्ट होती है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सबके पास ट्राइकिड्स हैं। यहाँ पर टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में मेन जो वाटर का कंडक्शन होता है वो ट्राइकिड्स के द्वारा होता है, और एंजियोस्पर्म के केस में वेसल्स मेन रोल में आ जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गा। बेटा ब्राउन एल्गा के पिगमेंट की बात करते हो तो उसका कंपोजिशन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। अब आप जल्दीबाजी में इस ऑप्शन को लगा के यदि आगे बढ़ जाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी दिया हुआ है ए के साथ बी। बेटा ये रेड एल्गी का मेन पिगमेंट का कंपोजिशन है। ऑप्शन सी देखो, ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्लोरोफिल ए फाइकोरिथ्रिन ए साइनोफाइसी का अधूरा सा पिगमेंट कंपोजिशन है। पिगमेंट कंपोजिशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यदि प्लांट किंगडम से क्वेश्चन बन रहा है तो। उसके लिए एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसे याद कर लेंगे एग्जाम के पहले। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स विच आर डिससिमिलर इन साइज आर टर्म्ड एज। बेटा डिससिमिलर साइज के गैमिट्स के फ्यूजन को हम लोग अनआइसोगैमी कहते हैं, अगर सिमिलर साइज का है तो आइसोगैमी। बेटा अनआइसोगैमी इज ए टाइप ऑफ हेटरोगैमी एंड ओगैमी इज द पार्ट ऑफ इज अ टाइप ऑफ हेटरोगैमी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइसी। बेटा रोडोफाइसी का रिप्रोडक्शन, इससे आपको बस एक चीज याद रखना है, रोडोफाइसी के एल्गा जितने भी हैं उनके जीवन की किसी भी अवस्था में फ्लेजला का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी मोटाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई मोटाइल गैमेट, मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊ गैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस। बेरियस हमने बोला था कि रोडोफाइसी के जो एल्गा होते हैं उसमें एडवांस ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी फ्रिक्वेंटली देखे गए हैं। तो डी वाला ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा, यानी जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो होगा बी। नेक्स्ट, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक्स प्लेस इन। बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन होता है और स्पोरेंजियम के दौरान होता है इनकेस ऑफ ब्रायोफाइट। बाकी जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं तो उसमें एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। नेक्स्ट, एफ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज। बेटा ब्रायोफाइट्स में वाटर इसेंशियल होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब फ्यूनेरिया को बोला इज ए हाइड्रोफाइट। अब हाइड्रोफाइट तो तब बोलते हैं ना जब फ्यूनेरिया का प्लांट साल भर पानी में रहता। प्लांट्स नीड वाटर फॉर गैमेटोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस का कोई नामो निशान नहीं होता है ब्रायोफाइट के केस में, क्योंकि यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफिटिक। गैमेटेंजिया कैन नॉट डेवलप विदाउट वाटर, ये भी बकवास कर रहा है। नेक्स्ट, ए मॉस स्पर्म मूव्स बाई मीन्स ऑफ। बेटा मॉस में जो स्पर्म होता है उसके पास जो फ्लेजलेटेड स्ट्रक्चर है वो है फ्लेजला, सीलिया यहाँ नहीं होता। स्यूडोपोडिया मॉस में बनता है, एक स्फेग्नम है जिसे पीट मॉस कहते हैं, उसके स्पोरोफाइट में स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन वो स्पर्म नहीं है। नेक्स्ट, इन फ्यूनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज। बेटा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्यूनेरिया में प्रोटोनिमा होगा, कैप्सूल कॉलोमेला सीटा ये तीनों ही स्पोरोफिटिक स्टेज के हैं, और स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म।
अब जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पैटर्न है, तो जिम्नोस्पर्म में सीक्वेंस जान लीजिए, कोन बनता है, कोन स्पोरोफिल के एग्रीगेशन से बनता है, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया लगता है और उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। अब ऑप्शन आप पढ़ेंगे, स्पोर्स डेवलप ऑन स्पोरोफिल, गलत, स्पोर डेवलप ऑन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल एग्रीगेट टू फॉर्म स्ट्रोमेटोलाइट, द राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, माइकोराइजल रूट्स ऑफ, बेटा रूट्स माइकोराइजल पाइनस के केस में होता है तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा। प्लांट्स विच प्रोसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर, बेटा यहाँ चार ग्रुप प्लांट्स के दिए गए हैं, ब्रायोफाइट टेडोफाइट्स। तो पहले तो ये जानेंगे कि ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये नॉन सीडेड प्लांट है, ये नॉन स्पर्मेटिक, ए स्पर्मेटोफाइट्स इनको कहा जाता है, और जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है ये स्पर्मेटोफाइट्स कहे जाते हैं, यानी सीडेड प्लांट्स। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म की जो ओबरी होती है उसके पास वॉल होता है, यानी ओबरी वॉल वहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पास ओबरी वॉल नहीं होती है जिसकी वजह से जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल फर्टिलाइजेशन, बेटा डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, इसे एस.जी. नवासीन साहब ने डिस्कवर किया था। आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर में निकाल करवाता हूँ। एम्ब्रियो सैक मोस्ट कॉमन टाइप का जो है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होता है, जिसमें 2 सिनर्जिट्स होते हैं, एक एग होता है, एक सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियाई होता है, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और 3 एंटीपोडल्स होते हैं। होता क्या है, जैसे ही पोलन ट्यूब इंटर करता है फ्रॉम डी जनरेटेड सिनर्जिट, 2 स्पर्म डिस्चार्ज करता है, एक स्पर्म जाके फ्यूज करता है एग से, बनता है जाइगोट, और एक जाके फ्यूज करता है फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई और बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो फ्यूचर एंडोस्पर्म है, और एग जब फ्यूजन करेगा जाइगोट बनेगा जो कि फ्यूचर एम्ब्रियो है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एंजियोस्पर्म ए एंड बी सोन इन द फिगर बिलोंग्स टू द क्लास। बेटा यहाँ 2 प्लांट के डायग्राम दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो पत्तियों पर 2 लेंस लगाया गया है। इस लेंस लगाने का एग्जामिनर का क्या मंशा है कि बच्चा लीफ के पैटर्न को ऑब्जर्व करे, लीफ के पैटर्न में स्पेशली वेनेशन का पैटर्न, उसके बेस पर उसे एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन आता है या नहीं आता। बेटा ये तो सिंपल है, हमने पढ़ाया था आपको कि रेटिकुलेट वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट प्लांट्स एंड पैरेलल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट प्लांट, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन, बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है सिंगल सोमैटिक फेज प्रेजेंट होगा और वो सोमैटिक फेज जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। अब ऐसा केस मोस्ट ऑफ दी एल्गी एंड मोस्ट ऑफ दी फंजाई में होता है। ब्रायोफाइट्स की बात करो, टेडोफाइट्स की बात करो, तो इनके लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं डिप्लोबायोन्टिक। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक और टेडोफाइट के लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लोहैप्लोन्टिक, और जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। बेटा डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 36 है तो हैप्लॉइड हो जाएगा 18, और एंडोस्पर्म की प्लॉयडी हम जानते हैं क्या होता है, 3n, तो 18 3 = 54, द राइट ऑप्शन इज सी। विच वन इज ए पैरासिटिक एल्गा, बेटा पैरासिटिक एल्गा एक ही होता है, सिफेलोरास पैरासिटिकस, रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, ग्रीन एल्गा का मेंबर है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स आर, बेटा सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट हम एल्गी को बोलेंगे क्योंकि बाकी जो प्लांट दिए गए हैं यहाँ पर जैसे ईस्ट है वो फंजाई है, बैक्टीरिया है, तो जब एल्गी मौजूद है तो हम बैक्टीरिया के साथ नहीं जाएंगे, बैक्टीरिया प्लांट लाइक होता है, प्लांट नहीं होता है, और लैक्टोबैसिलस तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, थैलोफाइटा इंक्लूड्स, बेटा थैलोफाइट्स, आपको प्लांट किंगडम की वेरी फर्स्ट क्लास याद हो तो मैंने प्लांट किंगडम में जो प्लांट हैं उनको 2 ग्रुप में बांटा था, क्रिप्टोफाइट्स फेनरोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स का मतलब हिडन मैरिज वाले प्लांट, फेनरोफाइट्स का मतलब ओपन मैरिज वाले प्लांट। क्रिप्टोफाइट्स में 3 ग्रुप लिखा था, थैलोफाइट ब्रायोफाइट टेडोफाइट, और फेनरोफाइट्स में
दो लिखा था, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट में फिर दो प्लांट लिखा था, एल्गी एंड फंजाई। यानी पहली क्लास का जो फ्लो चार्ट है वो आपको याद हो तो विद इन सेकेंड आप इसका ऑप्शन लिख देंगे एल्गी एंड फंजाई, और अगले दो सेकेंड में आप गोला भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इन स्पाइरोगायरा ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर हाउ मेनी हैप्लॉयड न्यूक्लियाई टेक पार्ट। बेटा जाइगोस्पोर के जर्मिनेशन के दौरान स्पाइरोगायरा में सिंगल न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है, देन ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ स्पाइरोगायरा इज कॉल्ड। बेटा कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा का जो प्रोडक्ट होगा वो जाइगोस्पोर होगा। जाइगोस्पोर क्यों? क्योंकि वहाँ पर दो गैमीट यूनाइट होंगे, और जब गैमीट जाइगोस्पोर होता है। नेक्स्ट, मियोसिस इन यूरोथ्रिक्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। यूरोथ्रिक्स के मियोसिस की बात करोगे तो यहाँ पर जाइगोटिक टाइप का मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस होगा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ऑप्शन सी। बेटा यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस जाइगोटिक टाइप की होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस गैमेटिक टाइप की होती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड इन डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल मियोसिस अकर ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, जिस मियोसिस को हम लोग स्पोरोजेंटिक मियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज। बेटा ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चीगोनियम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज आर्चीगोनियम। विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन माइन ऑफ लिवर बर्ड। हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा। गोल्डन माइन ऑफ लिवर बर्ड वेस्टर्न हिमालय को कहा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय का सीन ये है कि पूरा का पूरा हिमालय का जो पर्वत है वो ग्रीन कारपेट से ढका हुआ है। नेक्स्ट, द प्रोटोनिमा इज। अब प्रोटोनिमा की बात करो तो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है इन हायर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट जिन्हें मॉसेस कहते हैं। मॉसेस के केस में स्पोर जर्मिनेशन के बाद जो पहली स्टेज मिलती है वह है प्रोटोनिमा स्टेज। एक ग्रीन क्रीपिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। यह प्रोटोनिमा फर्दर डेवलप करके बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा फर्दर डेवलप होता है और बनता है लीफी गैमेटोफोर गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द पेरिस्टोमा फ्यूनेरिया हैज। बेटा पेरिस्टोमा फ्यूनेरिया ये स्पोरोफाइट में बनता है। स्पोरोफाइट में जो डिस्पर्जल की साइट होती है उस पर एक ढक्कन लगा होता है, उसी ढक्कन को जोड़ने का काम करता है पेरिस्टोमियल टीथ। उस ढक्कन में 16 टीथ होते हैं, नीचे वाले में 16 टीथ होते हैं, यानी 16 × 32। जैसे आपके ऊपर और नीचे मिला के 32 दांत होते हैं, वैसे ही फ्यूनेरिया के जो पेरिस्टोमियल टीथ हैं उनकी संख्या कितनी है? 32। इन रिक्सिया ब्रायोफाइट्स। बेटा रिक्सिया लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट है, मेंबर ऑफ हिपैटिक ऑप्सिडा। हिपैटिक ऑप्सिडा की कहानी यह है कि यहां पर स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। यहां के स्पोरोफाइट को हम लोग पैरासिटिक स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पर मॉसेस की कहानी देख लो तो मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शली डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, यानी जब इनिशियल स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट होता है तो गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेगा, लेकिन लेटर स्टेजेस में गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेना बंद कर देता है। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक, कैनाल सेल इन ड्रायोप्टेरिस आर। बेटा ड्रायोप्टेरिस फर्न है, हायर ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट। आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट की तरफ हम बढ़ते हैं एनसीसी और वीसीसी का नंबर घटने लगता है, और चूंकि एकदम लास्ट ग्रुप है फर्न तो वहां पर जाके नंबर एकदम से कम हो जाएगा। अब एकदम से कम में दो ऑप्शन है। होता क्या है, ट्रायोप्टेरिस के केस में दो सेल आपस में फ्यूज करके सिंगल सेल बन जाते हैं और दो न्यूक्लियाई हो जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 with 2 nuclei। जिम्नोस्पर्म कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट्स बिकॉज दीज लैक्स। जिम्नोस्पर्म के पास ओवरी वाल ना होने की वजह से उनका सीड क्या होता है? नेकेड होता है। तो ऑप्शन सी। इन विच क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म फॉसिल्स आर प्रेजेंट। अब जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स की बात करोगे तो साइकेडोफाइटा में भी पाए जाते हैं और कोनीफेरोफाइटा में भी पाए जाते हैं, यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 30, इन जिम्नोस्पर्म हाउ मेनी मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस बाई ईच पॉलन ग्रेन। अब बेटा यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है,
कभी कभी तीन, कभी कभी चार, कभी कभी दो ही बनता है, लेकिन फाइनली बचते दो हैं। तो हम दो की संख्या को याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में दो मेल गैमीट बनते हैं इन ईच पॉलन ग्रेन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू।